दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के शो में आप सभी के लिए काफी गजब एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, इस एप्लीकेशन को देखने के बाद आप भी कहोगे कि काफी गजब एप्लीकेशन है, और जब इस एप्लीकेशन को आप अपने किसी भी फ्रेंड के सामने यूज करोगे तो वो भी देख के दोस्तों आपसे जरूर से पूछेगा कि आपने कौन सी एप्लीकेशन को यूज किया, हमें भी बता दीजिए। काफी शानदार एप्लीकेशन है, यूज करने में मजा आता है। बेसिकली दोस्तों, ये एक लॉन्चर से रिलेटेड एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों ये देखने में बिल्कुल भी लॉन्चर नहीं लगता, और इस एप्लीकेशन को जब आप अपने फोन में यूज करोगे तो आपको यूज करने में सबसे ज्यादा मजा आ जाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि यहां पर आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन काफी शानदार होने वाली है। उसके बाद दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बगल में दोस्तों आपको एक छोटा सा घंटी का आइकन दिखेगा, तो इसे भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे इस तरह की जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कौन सी एप्लीकेशन है और किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में यूज करके मजे ले सकते हो। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रही वो एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है रोलिंग आइकन। इसको अगर आपको डाउनलोड करना हो तो लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करोगे तो यहां पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं, ऐप आइकन का, फोटो आइकन का, इमोजी आइकन का। तो यहां पर दोस्तों आप ऐप आइकन को, फोटो आइकन को, इमोजी आइकन को अपने होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं, अपने हिसाब से दोस्तों आप लगा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहां पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही दोस्तों आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके जो होम स्क्रीन पे जितने भी फोटोज आपने लगाए होंगे, आपने जितने भी आइकन लगाए होंगे या फिर इमोजीज लगाए होंगे, वो दोस्तों कुछ इस तरीके से रोलिंग होने लगते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा गजब लग रहा है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ज्यादा दोस्तों ये अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि आपके सारे के सारे जो आइकन है अपने फोन को आप घुमाते हो तो यहां पर ऊपर नीचे होने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको छोटी सी एप्लीकेशन प्लस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।